अरे अरे, ये कौन भाई साहब है? हैं? चाकू? अरे मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। ओहो, तरबूज काटने वाले हो? हैं? ये क्या? OMG, तरबूज बना मास्टरपीस। ये है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मास्टर कावर, 17 साल के यशवंत। फ्रूट और वेजिटेबल कार्विंग के दो स्टाइल्स हैं, एक चाइनीज और दूसरा थाई। और हमारे मास्टर कावर यशवंत स्पेशलाइज करते हैं थाई स्टाइल में। थाई कार्विंग में डिजाइन चाहे कितना भी मुश्किल हो, वे केवल एक चाकू का यूज करते हैं। इसे थाई चाकू कहा जाता है। अधिकतर थाई कार्वर 3D काम नहीं करते हैं। थाई कार्विंग में काम चाहे जो भी हो, वे केवल एक चाकू का यूज करते हैं। चाहे कितना भी कठिन हो, मुझे थाई कार्विंग पसंद है। इन कार्विंग दे आर बेसिकली 4 टेक्निक्स। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेट कट, द सेकेंड वन इज द स्लैंट कट, the third one is the curve cut, and the final one is the serrated. ऐसी complex carving के लिए चाहिए patience, focus और concentration. Design जितना बारीक, risk उतना ही ज्यादा. पर यशवंत जैसे master carver के लिए ये बहुत आसान है, वरना इतने बारीक डिजाइन में चाकू आधा इंच इधर उधर हुआ नहीं और 6-7 घंटे की मेहनत वेस्ट। ऐसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को इतनी आसानी से बनाने के लिए कई सालों का तजुर्बा लगता है, पर हमारे चैंप यशवंत ने ये स्किल्स इतनी छोटी उम्र में ही मास्टर कर लिए। ये लो, कर दी ना काया पलट तरबूज की। तरबूज बना अ वर्क ऑफ आर्ट। वाओ यशवंत, मान गए आपके टैलेंट को। इनके जैसे टैलेंटेड लोगों की ही एंट्री होती है कलिनरी ओलंपिक्स में, प्रेस्टीजियस कंपटीशन जो है। ओलंपिक्स की तरह ये भी 4 सालों में एक बार होता है, और यहाँ जीतने के लिए टैलेंट और ट्रेनिंग के अलावा चाहिए ई फॉर एक्सपोजर। In the year 2016, I represented once again our country, and interestingly, I took my son. By then, he was 13 years old. He also competed along with me with the various finest carvers of the world, and he stood 4th place. That was one of the best motivation that he would ever get. बस फिर क्या था? 2016 में 4th position जीत के यशवंत fully gear up हो गए 2020 culinary Olympics में India को represent करने के लिए। 67 countries, 1800 chefs, और यशवंत उम्र में सबसे छोटे थे। इस कंपटीशन में जीतने के 3 क्राइटेरिया थे। पहले डिजाइन का टेक्निकल स्किल और डिफिकल्टी लेवल, दूसरा डिजाइन की सिमेट्री, और तीसरा डिजाइन की ओरिजिनलिटी। और इन तीनों क्राइटेरिया में यशवंत ने झंडे गाड़ दिए बॉस। 4 सिल्वर मेडल्स जीत के बने सबसे यंगेस्ट और पहले इंडियन कलिनरी चैंपियन। इंडिया के कलिनरी ओलंपिक्स चैंपियन 17 साल के यशवंत ने हमें सिखाया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इनके जैसे यंग टैलेंट से ही तो OMG की दुनिया रोशन है। शेफ यशवंत, आपको OMG का बड़ा सल्यूट।